गाइज, गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव, राधे राधे, जय माता दी गाइज। और आप लोग कैसे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ पे मेरी मॉर्निंग की शुरुआत वही सोना के लंच से हो रहे हैं। सोना स्कूल जाने वाली है, इसलिए मैं उसके लिए लंच बना रही हूँ। गाइज, आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, इसलिए अभी से ही वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। आप लोग चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लोग कमेंट भी जरूर करिए, शेयर भी जरूर करिए। कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा गाइज। और यहाँ पे वही जो सोना का लिए लंच बना रही थी, बहुत ही सादा सिंपल से पराठे बनाई थी और सोना को बहुत ही ज़्यादा गाइज टेस्टी लगे थे। गाइज, ऐसा होता है कि आजकल तो जितनी भी मम्मियाँ उठती हैं, सुबह की शुरुआत होती है उसको, उसके लिए जब बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं तो उसकी मॉर्निंग की शुरुआत तो वही बच्चे के लंच से ही होती है। और मेरी भी शुरुआत इसी तरीके से होती है, सुबह में उठिए तो बच्चे के लिए लंच बनाइए। और यहाँ पर अब सोना स्कूल जा रही है। बाय बाय बाय। और गाइस, सोना की स्कूल जाने के बाद में वही अपने लिए कुछ टाइम निकाल करके मेरी वही फुर्सत वाली चाय जो होती है, मैं बहुत ही आराम से चाय लेती हूँ। हड़बड़ी में मैं चाय नहीं लेती हूँ और एकदम से फुर्सत से मैं चाय पीती हूँ। थोड़ा सा अपने लिए समय 10 मिनट निकाल करके, चाय तो मेरी आदत है नहीं, मगर अपने लिए थोड़े से टाइम बचा करके एक कप चाय मैं लेती हूँ और बहुत ही मज़े से लेती हूँ और बहुत आराम आराम से लेती हूँ। ऐसी कोई हड़बड़ी नहीं होती है चाय पीने के समय, नहीं तो अगर हड़बड़ी है तो बिल्कुल ही चाय को स्किप कर देती हूँ, मैं चाय नहीं लेती हूँ। और मॉर्निंग में जितनी हड़बड़ी किसी भी लेडीज के लिए होती है और मेरे लिए तो जो होती है, तो उसमें से मेरी यही 10 मिनट की जो टाइम होती है अपने लिए निकालना, ब्रेक करना, वो भी चाय के लिए। और बहुत ही मस्त वाली, कितने अच्छे बारिश हो रहे हैं। और गाइज, आज मॉर्निंग में ही बहुत ही अच्छी बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी बारिश। और मौसम भी इतने ठंडे ठंडे थे कि क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। बारिश होती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एकदम हरियाली को देख करके तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ पर देखिए कितने अच्छे मोटे मोटे बारिश हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। और गाइज, मुझे इस तरीके से बारिश में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। किसको नहीं आता होगा, बारिश में तो मज़ा सबको आता है क्योंकि मौसम ही इतना सुहावना होता है, ठंडा लगता है, अच्छा लगता है, मौसम एकदम अच्छे लगते हैं। और यहाँ देखिए मेरे किचन से भी बारिश एकदम दिख रहे हैं, हो रहे हैं, तो खिड़की है तो बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से सामने में चूल्हे हैं, खाना बनाते रहिए, अगर बारिश हो रही है तो बारिश का आनंद लेते रहिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और इस तरीके से मैं, मुझे बहुत ही ज़्यादा जब बारिश होती रहती है तो खाना बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम रहता है। खिड़की से इस तरीके से बारिश देखते रहिए और खाना बनाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। और इधर गाइज, मैं दाल में छौंके लगाने के लिए वही 1 चम्मच घी डाल करके सिंपल से जीरे से छौंका लगाई थी, दाल को तड़का लगाई थी, बहुत ही ज़्यादा। इस तरीके से भी सिंपल से कभी घी डाल करके, जीरा डाल करके आप दाल को छौंका लगाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मेरी सारी खाने बन चुके हुए थे और अभी मैं ये दाल में जीरा का छौंका लगा रही थी घी डाल करके, मस्त बनते हैं। कभी कभी इस तरीके से भी ट्राई करना चाहिए, सिंपल सी दाल होनी
होनी चाहिए और इस तरीके से छौंका लगाकर दाल बनती है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइज आज तो सुबह से ही बारिश हो रही थी तो मौसम भी बहुत ज़्यादा ठंडा था और अच्छा भी लग रहा था, गर्मी बिल्कुल ही नहीं थी। और इधर मेरी सारे काम हो चुके हुए थे, किचन भी क्लीन कर ली थी। बहुत ही ज़्यादा मैसी किचन मुझे पसंद नहीं है, एकदम नहीं। काम करने के बाद में एकदम तुरंत से किचन को साफ़ करना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। साफ़ सफाई से किचन को रखना भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और गाइज मैं आप लोगों को आज एक अपने किचन के अप्लायंसेस बताऊंगी कि मैं क्या ली हूँ अपने किचन के लिए। एक जो आप लोगों को मैं दिखाऊँगी उसको लेने के बाद में बहुत ही ज़्यादा मेरा काम आसान हो गया है, क्योंकि हर हमेशा जब भी मैं बर्तन धोती थी तो बर्तन धोने के समय में वही होता था कि जब भी किसी बास्केट में डालिए तो पानी नीचे आते थे, तो वही पूरे किचन के जो स्लैब होते हैं पूरे पानी पानी गंदे हो जाते थे। मगर इस अप्लायंसेस के लेने के बाद में मेरे ये देखिए इस तरीके से इसमें ट्रे लगे रहते हैं और पानी जो भी गिरते हैं तो इस तरीके से निकाल करके मैं उसको हटा देती हूँ और किचन का जो ये स्लैब होता है वो पूरे पानी पानी नहीं होता है। और इसको लेने के बाद में मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है लगता है कि इस तरीके से मैं ली हूँ तो मेरे बर्तन भी अच्छे से धुलते हैं तो एक बास्केट में आ जाते हैं और मेरा स्लैब भी पूरा पानी पानी नहीं होता। और एक इस तरीके के बास्केट भी गोले वाले मैंने लिए हुए थे मगर इसमें कोई ट्रे वगैरह नहीं थे, तो जब भी बर्तन धोती थी और इसमें डालती थी तो पानी पानी हो जाते थे, इसलिए मैंने इसको लिए और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। हेलो गाइज, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है? वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। गाइज आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना नहीं भूलिएगा। गाइज आप लोग वीडियो देखते हैं पर वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, जब भी अगर आप वीडियो देखना चालू करते उसी समय वीडियो को लाइक कर दिया करिए। वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाने में मज़ा आता है, क्योंकि लाइक के द्वारा पता चलता है कि आप लोग पसंद करते हैं वीडियो को। इसलिए लाइक ज़रूर करिए, कमेंट भी करिए और शेयर करना तो बिल्कुल ही नहीं भूलिएगा। अगर गाइज आप लोग चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कमेंट शेयर भी जरूर करिएगा। गाइज बेल आइकन ऑल दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा मेरी वीडियो जब जब मैं डालती हूँ वो आपको पता चल जाए। नोटिफिकेशन के द्वारा मैं वीडियो कब कब डालूंगी वो आप लोगों को नोटिफिकेशन के द्वारा पता चल जाएंगे, ताकि मेरी हर वीडियो आपको देखने को मिले। और वीडियो जब भी देखिए तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। और इस ब्लॉग में तब तक के लिए इतना ही, फिर से मैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। और गाइज तब तक के लिए बाय बाय, और आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर गाइज, बाय बाय। और ये बस।